हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लाइक आप लोगों से मैंने पूछा था कि भाई कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो आप लोगों में से सबसे ज्यादा बंदे ने कहा था कि भाई ए टू जेड बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स पे एक वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर देखो, इस पे 1K का वोटिंग आ चुका है। तो हम आज इसी वीडियो में यही डिस्कस करने वाले कि इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल से लेके यहाँ पे आप लोग हेडशॉट तक का कैसे सेटअप कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, और इसमें देखो यार, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, उन सभी का मैं इसमें हो सकता है तो सोल्यूशन भी बताने का पूरा फुल्ली ट्राई करूंगा। बट यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप लोग देखो तो इसमें एक्टिवेट इसमें भी करना होता है आप लोगों को। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड देखने को मिल जाएंगे। लाइक इसमें बाय अनदर फोन का भी है, लाइक यहाँ पे वायरलेस एक्टिवेशन भी है, वायर्ड भी है, रूट भी है। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि देखो, वायरलेस कनेक्शन में, वायरलेस एक्टिवेशन में बहुत सारे बंदों का कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है। लाइक यहाँ पे पेयरिंग टाइम आउट वाला भी एक प्रॉब्लम इसमें ऐड हो गया। तो और बहुत सारे बंदे के पास तो पीसी या कंप्यूटर होगा नहीं जिसके थ्रू वो एक्टिवेट कर पाए। तो यहाँ पे ऑल इन वन बाय अनदर फोन। ओके, यहाँ पे एक दूसरा फोन चाहिए उसके थ्रू भी आप इजीली एक्टिवेट कर सकते हो। तो हम यही चूज करते हैं जिससे आप लोगों का भी यहाँ पे हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर देखो, तो हमने ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, यूएसबी डिबगिंग ऑन किया हुआ है। तो यूएसबी डिबगिंग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए यहाँ पे अपने अबाउट फोन में चले जाना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने MIUI वर्जन या फिर देखो तो यहाँ पे मेरा OS वर्जन है, इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल है। ओके, ऐसे करके डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो तो मेरा अभी एंड्रॉयड 14 है। यहाँ पर आप लोग देखो, एंड्रॉयड 14 पे मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। अगर आपका 14 है, 13 है, 10 है, एटलीस्ट 9 है, तभी आप लोग इसमें फोन एक्टिवेट करके इजिली गेम प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे देखो, यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग भी ऑन कर लिया। एंड यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग में देखो, सबसे मेनली यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को ऑन करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं डेवलपर ऑप्शन में चले जाता हूँ, और जितने भी पोको के फोन्स है या फिर जितने रेडमी वाले फोन्स है, तो उन सभी में आप लोग देखो तो इसमें आपको एक सेटिंग मिलेगा, यूएसबी डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग वाला। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को मेक श्योर इसे ऑन करना ही होगा, तभी जाके आपका इन गेम कीबोर्ड माउस वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, तो इसे हमें ऑन कर लेना है। एंड जैसे आप लोग इसको ऑन करोगे तो इसमें आप लोगों को एक ये लाइक इसका जो MI का अकाउंट होता है वो बनाना होता है, लाइक इसका ऑफिशियल अकाउंट होता है। तो आप लोग इसमें लॉगिन कर सकते हो इजी फोन नंबर से। ओके, तो आप लोग इजिली कर लेना है, एंड उसके बाद ये वाला सेटिंग ऑन हो जाएगा। मेक श्योर ये इसे ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जैसे हम इसे ऑन कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग ऑफिशियली इसे तो ऑन करना ही है, तो यहाँ पे हम इसे भी ऑन कर लेते हैं। ये डिफॉल्ट मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ था, तो मैं इसे भी यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑफिशियली फोन टू फोन एक्टिवेट करने वाले, तो ये मेथड सब में वर्क करेगा। ओके, यहाँ पे आपका जो भी एंड्रॉइड वर्जन हो वो सब में इसमें वर्क करने वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारा एक्टिवेशन के लिए हो गया रेडी। अभी यहाँ से भाई दूसरे फोन को इसमें अटैच करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं देखो OTG मेरा ऑलरेडी है, सॉरी गिर गया, और यहाँ पे ये रहा हमारा फोन। एंड इसी फोन से हम उस वाले फोन को एक्टिवेट करने वाले। ओके, तो बहुत सिंपल एक्टिवेशन, इसमें भी आप लोगों को जीजी माउस प्रो को इंस्टॉल कर लेना है। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसे भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। एंड देखो, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। एंड इसको एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे एक डाटा केबल की जरूरत पड़ने वाली है, जो चार्जिंग केबल भी आप लोग बोल सकते हो। और यहाँ पर देखो, ये जो चार्जिंग वाला पोर्ट है उसको अपने फोन में लगा देना है जिसमें एक्टिवेट करना है। मैं इस टैबलेट में लगा देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे इस वाले साइड को हमें OTG से कनेक्ट करके अपने फोन में अटैच कर देना है जिससे हमें एक्टिवेट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसमें OTG को ऑन कर लेता हूँ। ये रहा सेटिंग, एंड इसमें हमारा ये रहा OTG, यहाँ से मैंने इसे ऑन कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ से बैक करके चले जाते हैं जीजी माउस प्रो में, एंड यहाँ पे इसे हम अटैच कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर देखो तो इस साइड पे जाके मेन मोर वाले ऑप्शन में जाके, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पे यही देखो एक ऑप्शन है, सॉरी ये इस पे क्लिक हो गया। यहाँ पर देखो एक्टिवेट अनदर डिवाइस, इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया। यहाँ पर देखो ओके करने का ऑप्शन है, ओके करेंगे, उसमें देखो एक अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर दो। एंड उसके बाद इसमें फिर से ओके करो। अब देखो यहाँ पे ये हो गया सक्सेसफुली डन, यहाँ पे देखो ये अटैच हो गया हमारा फोन। अब बस इसमें एक्टिवेट पे क्लिक करना है, देन हमारा फिर से अलाउ कर देंगे। एंड यहाँ पर देखो हमारा एक्टिवेशन हो गया सक्सेसफुल।
इजी एक्टिवेशन मेथड, बस अपने फोन को यूज करके आप लोग इसमें एक्टिवेट कर सकते हो बहुत इजी। एंड उसके बाद यहाँ पे डिटैच कर दो, हो गया हमारा काम, इसका एक्टिवेशन इतना इजी है। ओके, आफ्टर एक्टिवेशन अब आप लोगों को करना होगा इसको पूरा फुल सेटअप। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका ग्रैंड परमिशन है, उस सभी को मैं अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्प्ले ओवर अदर्स ऐप का, तो ये रहा जीजी माउस प्रो एंड ये मेरा ऑलरेडी ऑन है। तो चलो यहाँ से बैक कर देते हैं, तो नहीं हुआ अभी, वेट मैं फिर से इसे ऑन कर देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे फाइनली मैंने इसे ऑन कर दिया एंड बैक करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से इसको भी हम नॉन पे कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा पूरा फुल्ली डन। हम यहाँ से ऐड गेम पे क्लिक करके यहाँ से अपना फ्री फायर को ऐड कर लेंगे, हो गया हमारा फ्री फायर ऐड। एंड यहाँ पर देखो, तो अभी हमारा प्रॉपर ये एक्टिवेटेड है, सारा कुछ डन है। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट इसको लॉन्च करना है, और लॉन्च करने से पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत सारे बंदे का अभी भी डाउट है भाई इसमें आईडी बैन तो नहीं होगा। भाई बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी देखा अभी लॉन्च किया। चलो यहाँ पे लॉन्च कर दिया मैंने, और ये मेरा जो ऑलरेडी जो मैंने ऑलरेडी मेन अकाउंट को जो लॉगिन किया हुआ था गेम प्ले करने के लिए, वो ऑटोमेटिक इसमें डिटेक्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे ये हम इसे रख देते। अब हम कर लेते हैं इसमें कीबोर्ड एंड माउस को अटैच। तो कीबोर्ड माउस अटैच करने के लिए यहाँ पर देखो, मैं फॉरवर्ड यूएसबी अब यूज कर रहा हूँ क्विंटम का। आप लोगों से भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी यही यूज करो। एंड यहाँ पर देखो, हमारा कीबोर्ड माउस भी ऑलरेडी है, इवो फॉक्स का मैं अभी यूज कर रहा हूँ। एंड इन सभी का अगर बाय लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको अटैच। एंड उसके बाद ये रहा हमारा माउस, तो माउस का वायर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो इधर ही से निकाल लेते। चलो एंड ये कर दिया हमने कीबोर्ड को अटैच, तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड एंड माउस दोनों अटैच। तो क्लिप ये रहा, इसको बढ़ा लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा कीबोर्ड एंड माउस अटैच। एंड यहाँ पर देखो, तो ये प्रॉपर अभी ये हो रहा है, एंड इसमें डीपीआई बटन भी मिलता है, तो हम इसमें एकदम लो डीपीआई रखेंगे। और यहाँ पर देखो, तो हमारा कीबोर्ड माउस दोनों इसमें प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, तो अभी मैं यहाँ से फोकस कर देता हूँ, एंड उसके बाद इसमें करेंगे की मैपिंग। की मैपिंग करने के लिए आई होप कि आप लोगों को अभी स्क्रीन पूरा प्रॉपर नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसके अबाउट, सॉरी, एक ग्रुप में चले जाता हूँ एंड इसको मैं प्राइवेट कर लेता हूँ। चलो अभी हो जा भाई, लेट्स गो। तो यहाँ पे आप चलते सेटिंग्स में, कंट्रोल्स में, कस्टम एचयूडी में। एंड यहाँ पर देखो, तो आप लोग ये मेरा वाला कस्टम एचयूडी भी आप लोग चूज कर सकते हो, एंड यही मेरे ख्याल से तो अभी के लिए बेस्ट है कस्टम एचयूडी। एंड अब यहाँ से करते हैं हम की मैपिंग। की मैपिंग करने के लिए ये रहा हमारा माउस, सॉरी, ये इसका एप्लीकेशन का आइकन, उस पर क्लिक करके। एंड यहाँ पर देखो, तो बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे एडिटर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डिफॉल्ट में जो हमारा की मैपिंग था वो आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको फिर से की मैप करके बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट पे चले जाएंगे, देन यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक और की मैपिंग एड करने का ऑप्शन आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बहुत इजी मेथड यूज करने वाले। लाइक यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे मेन यहाँ पे हम जॉयस्टिक के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक की आ गया। या फिर आप लोग चाहो तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक की आ जाएगा। ओके, तो बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करो माउस का, एक की आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे डब्लू प्रेस करोगे तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एक जॉयस्टिक का ऑप्शन है, तो जॉयस्टिक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे जॉयस्टिक पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने एक जॉयस्टिक बन के आ जाएगा, इसको आप लोग छोटा करके अपने जॉयस्टिक वाले आइकन पे रख दो। तो ये हो गया हमारा जॉयस्टिक का। अब करते हैं व्यू बटन। तो व्यू बटन करने के लिए यहाँ पे फिर से हम डबल क्लिक करेंगे एंड माउस रिमूव करेंगे। पहले ऐसे करने से ये आ जाता था, बट अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम इस माउस बटन फिर से डबल क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर देखो, टच है, स्वाइप है, मैक्रो है एंड यहाँ पे शो ऑल का है। तो यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पे FPS व्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे हमारा जो FPS व्यू का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पर अब हम इसको डन करते हैं। यहाँ पर देखो, आगे हमारा व्यू का बटन एंड यहाँ पे इसको हम जस्ट फायर बटन के ऊपर रखेंगे, एकदम मिड में। ओके, यहाँ पर देखो, इसका मिड होना चाहिए, फायर बटन का मिड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको एकदम अच्छे से एडजस्ट करके रख देंगे। चलो ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद अब यहाँ पे हम नॉर्मली की मैप कर लेते हैं। तो नॉर्मली की मैप के लिए तो भाई देखो, यहाँ से हम लोग आर यूज कर लेंगे, वेपन वन के लिए क्यू, वेपन टू के लिए टू, थ्री के लिए थ्री एंड टैब भी हम थ्री के लिए यूज करते हैं। तो ये एंड ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जो भी की मैप यूज करते हो उसको आप अपने हिसाब से कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे FGH भी रख दिया एंड मैं देखो यहाँ पे ये इसके लिए स्कोप के लिए शिफ्ट यूज करता हूँ, ये तो ऑफिसली स्पेस सब बंदे यूज करते हैं, और यहाँ पे क्राउच के लिए ऑल्ट और यहाँ पे सी, ये हो गया हमारा। और
इसके लिए हम 5 यूज करेंगे करेक्टर स्किल के लिए, Y के लिए हम यूज यू करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे रन के लिए ई प्रेस करेंगे, एंड लगभग हमारा सारा हो गया। और यहाँ पे हम लोग मेडिकेट के लिए एक्स, एंड यहाँ पे 4 इनहेलर के लिए भी लाइक मेडिकेट पे इसे रख देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग 0 यूज करेंगे बैकपैक ओपन एंड क्लोज के लिए, एंड उसके बाद अभी तो सारा कुछ हो चुका है। एंड अब यहाँ से देखो तो इसके लिए ग्लूवल के लिए यहाँ पे हम लोग माउस का राइट बटन यूज करेंगे, एंड फायर बटन के लिए यहाँ पर देखो माउस को लेफ्ट बटन। ओके, यहाँ पे ये भी हो गया, और फायर बटन को एकदम टॉप पे रखना है इसके फायर बटन को। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे एंटर से हम लोग ये करेंगे रिवाइव, एंड ऑलमोस्ट तो हमारा लगभग की मैप हो ही चुका है। और यहाँ पे हम लोग जेड से लेटने के लिए यहाँ पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। और यहाँ पर देखो तो हम लोगों का ये आ गया, तो इसमें हम पी रख देते हैं इसको रिपेयर किट मारने के लिए। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा सारा कुछ हो गया। अब मैक्रो लगाते हैं, तो मैक्रो लगाने के लिए हम लोग ई को यूज करेंगे, ई को यूज करने के बाद हम मैक्रो पे चले जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर देखो तो टैप का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर 2 टैप लेंगे, एक टैप बाय डिफॉल्ट हमारा 100 रहता है, और दूसरा वाले टैप को हम लोग 120 करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे 20 हो गया। और यहाँ इसके पोजीशंस में जाएंगे, पोजीशंस में जाएंगे तो हमें 2 बटन आ जाएगा। फर्स्ट वाले को हम रख देंगे क्राउच पे, देन यहाँ पे सेकंड वाला है उसको हम लोग रख देंगे रन पे। तो ये हो गया हमारा क्राउच एंड रन वाला मैक्रो डन। अब यहाँ से करते हैं फास्ट इमोट के लिए। तो फास्ट इमोट के लिए ये देखो, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखो कस्टम एचयूटी में आप लोग देखोगे तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इमोट का बटन, लाइक यहाँ पे गेम का जो एचयूटी है उसमें यहाँ पे मैं रखता हूँ इमोट के लिए। लाइक यहाँ पे जब आप लोग रखोगे, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग में जाके दिखाता हूँ, तब आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आज चला जाता हूँ ट्रेनिंग में। एंड यहाँ पर देखो अभी मैं माउस का क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्लिक किया हमारा इमोट का आ गया। सेकंड क्लिक करेंगे यहीं पे ये लॉल इमोट है। ओके, यहीं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लॉल इमोट भी मार रहा है। तो अभी यहाँ पे इस वाले बटन को आके फिर से हम लोग एडिट पे जाएंगे। एंड यहाँ पर आप लोग देखो तो इसी बटन में हम लोगों को टी यूज करेंगे, मैं टी यूज करो, आप लोग चाहो जो भी बटन यूज करो। एंड उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, एंड डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो तो टाइप्स है, तो यहाँ पे ये प्रेस है, उसके बाद टैप है, उसके बाद क्रेजी टैप है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, बट यहाँ पे हम लोग क्रेजी टैप्स पे आएंगे। और यहाँ पे 2 टाइमिंग है, तो एक वाले टाइमिंग को प्रॉपर लो कर देंगे यानी कि 1, और दूसरे वाले को भी प्रॉपर लो कर देंगे तो यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, बट उसके बाद 1 बढ़ा देंगे तो ये हो गया 2। ओके, ये हो गया इसका सबसे फास्ट मैक्रो इमोट के लिए। इसके बाद इसे हम डन कर देंगे, सेव कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो, देख रहा हूँ लाइक पीसी यहाँ पे इमोट लगा पा रहा है, ये देखो कितना फास्ट इमोट लगा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग इमोट के लिए भी इसको सेट कर सकते हो। एंड इमोट के लिए सेट करने के बाद यहाँ पर देखो तो माउस का जो ये वाला बटन है स्क्रॉल, उसी को यहाँ पे जब प्रेस करोगे, ये देखो प्रेस कर दिया माउस कर्सर हाइट, एंड उसके बाद हमारा ये सेंसिटिविटी में वर्क करेगा। बट यहाँ पे बहुत सारे बंदों का प्रॉब्लम रहता है कि हम इसको इस चीज के लिए मिड बटन को हटा के और कोई की मैप ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो इसको एडिट में चले जाना है, व्यू पे डबल क्लिक करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले हॉटकी का एम माउस जो है, माउस एम वो इसका मिड बटन ही है, इसको एडिट करके यहाँ पे मैं कीबोर्ड का कंट्रोल को प्रेस कर दूंगा। ओके, यहाँ पे ये हो गया हमारा सेट। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले पोजीशन ये सब हो गया, ये सब को आप लोग डिफॉल्ट ही रहने दो, मत इसको छेड़छाड़ करो तो ही बेटर रहेगा। अगर आपको सेंसिटिविटी में थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल सेट सेंसिटिविटी है, वर्टिकल सेंसिटिविटी है, इन सभी में आप लोग चेंजेस कर सकते हो, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसे डिफॉल्ट ही रहने दो। ओके, एंड उसके बाद इसको डन कर देने एंड सेव कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल प्रेस किया था, कंट्रोल देखो यहाँ पे ये हो गया कि मैं डन, यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे हमारा कीबोर्ड वहाँ उससे हाइड एंड शो होगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रॉपर सेट। एंड यहाँ पर देखो तो क्राउच एंड रन भी अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये मेरा भी डिफॉल्ट सेटिंग है, इसीलिए अभी हेड नहीं लग रहा है। अभी हम लोग इसका थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी अभी एडजस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो तो हमारा ये सेंसिटिविटी मेरा यही यूज करता हूँ मैं हमेशा, यहाँ पे रेड डॉट में 18 रखता हूँ, एंड यहाँ पे जर्नल है वो 0 रखता हूँ। एंड उसके बाद भी यहाँ पर देखो तो अभी मेरा ये थोड़ा बहुत ये हाई लग रहा है। ओके, यहाँ पे मेरा सेंसिटिविटी थोड़ा बहुत हाई लग रहा है तो हम इसे थोड़ा सा लो करेंगे। तो लो करने के लिए हम लोग फिर से व्यू बटन पे जाते हैं, देख ये रहा हमारा व्यू बटन। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, इसको हम लोग 200 कर देंगे। ओके,
फाइनली यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को 200 कर दिया एंड उसके बाद यहाँ से हम लोग सेव कर देंगे। एंड अब देखो तो यहाँ पे हमारा जो सेंसी है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। एंड अब यहाँ पे मुझे खेलने में सही लग रहा है एंड अभी हेडशॉट भी देखो तो अभी लग रहा सही है। ये देखो ओनली रेड, ये देखो ओनली रेड, ये देखो ओनली रेड। तो इसी तरीके से आप लोग प्रॉपर यहाँ पे कीनअप करके प्रॉपर यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो। ओके तो फास्ट रिमोट भी प्रॉपर वर्क कर रहा है एंड रिलोड भी हो गया। एंड आप लोगों को अगर मैं हेडशॉट्स के बारे में बताऊं तो हेडशॉट्स मारने के लिए आप लोगों को पहले तो प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग इसमें वन शॉट यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और पहले की मैप कर लेते हैं। यहाँ पे गन परचेस करने के लिए 7, आप लोग पूछते हो ना कि फास्ट कैसे गन परचेस करते हो, ये देखो ये है सीक्रेट, 7 को ऐड कर दिया। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे ये लाओ, 7 प्रेस करो, हो गया। एंड आप लोगों को हेडशॉट मारने के लिए सबसे पहले यूएमपी MP40 AK ऐसा ऐसा गन को प्रैक्टिस करना होगा एंड उस पर पहले आप लोगों को ओनली रेड नंबर मारना होगा। ओके तभी जाके आप लोग वन शॉट अच्छा खेल पाओगे। ये देखो ओनली रेड, ओनली रेड, ओनली रेड, ओनली रेड। एंड उसके बाद देखो तो ये प्रॉपर वन शॉट लगेगा। एंड यहाँ पर देखो मेनली आप लोग जब ट्रैक करते हो तो आप लोग यहाँ पे चेस्ट पे एम रखना है यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे रोटेट करके ऐसे माउस करके तब ऊपर की ओर ड्रैग करना। ओके तभी जाके आपका प्रॉपर हेड लगेगा। यहाँ पर देखो लगा हेड, ये देखो ओनली रेड। तो इसी तरीके से आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करना है, जब तक प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप लोगों का गेम प्ले भी इम्प्रूव होगा। ओके तो यहाँ पे ये तो रहा हमारा प्रॉपर सेटिंग, पूरा सेटिंग बता दिया इसका कि कैसे आप लोगों को यूज करना है। अगर चाहो तो और भी बटन बहुत सारे यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो तो ये रहा हमारा 5K स्केल, ये भी वर्क कर रहा, सारा कुछ यहाँ पे वर्क करेगा। ओके यहाँ पे जॉयस्टिक भी प्रॉपर वर्क कर रहा और इसमें अभी जॉयस्टिक प्रॉब्लम तो नहीं है बट हो सकता है तो आ भी सकता है जॉयस्टिक प्रॉब्लम, बट अभी तक तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग भी प्रॉपर इसका सेटिंग करके प्रॉपर गेम प्ले कर सकते हो। तो अब हम एक कस्टम भी बना लेते हैं। ओके चलो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग वर्ल्ड सही बंदे बुला रहे हैं तो अभी तो देखो यार फ्री कस्टम मिल रहा तो बहुत सारे बंदे आएंगे नहीं, तो यहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी आ गया है तो चलो इसी के साथ हम वन गेम वन करते हैं। तो ऐसे भी हम कर दिए यहाँ पे स्टार्ट एंड हमारा हो चुका है गेम भी स्टार्ट एंड हमने पूरा फुल की मैपिंग करा हुआ है। एंड अब यहाँ पे हम लोग इसी को टेस्ट करने वाले कि लाइक ये कैसा वर्क करता है। ओके तो यहाँ पे हम लोग देखो अगर सेंसिटिविटी बनाना है, अगर नेक्स्ट लेवल गेम प्ले करना है आप लोगों को तो खुद का ही सेटिंग बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद से ही पता चलेगा कि आप कौन से सेटिंग पे परफेक्ट खेल सकते हो तभी जाके आप लोगों का गेम प्ले इम्प्रूव होगा। ओके तो यहाँ पे हम प्रॉपर शॉर्ट गन वन सब कुछ ले लेते हैं एंड चलो। एंड अभी आप लोग देखो तो ये अभी प्रॉपर मेरा सारा कुछ वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पर देखो एक और बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि आप ग्लूवॉल इतना फास्ट कैसे लगाते हो और मैं ग्लूवॉल के लिए मैक्रो यूज नहीं करता। आप लोग चाहो तो ग्लूवॉल के लिए मैक्रो यूज कर सकते हो बट यहाँ पर देखो आप लोग तो यहाँ पे सबसे पहले फायर करना है, देन यहाँ पे ग्लूवॉल सिलेक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, डाउन करके यहाँ पे वॉल लगा देना है। देख रहे हो कितना फास्ट लगेगा। अब देखना ये देखो इसी को फास्ट में करो, ये देखो प्रैक्टिस की जरूरत है, देन यहाँ पे आप लोग बहुत ईजिली ये लगा सकते हो ग्लूवॉल। ओके और नेक्स्ट लेवल गेम प्ले करने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एकदम कम मैक्रो यूज़ करो। यहाँ पे मैं क्राउच एंड रन के लिए एक मैक्रो यूज़ करता हूँ और इसके अलावा मैं और कोई किसी चीज़ के लिए मैक्रो यूज़ नहीं करता। हाँ कभी कभी अगर होता है तो मैं डबल स्नाइपर के लिए मैक्रो यूज़ कर लेता हूँ बट यहाँ पे आप लोग जैसे मैंने ये लगाया क्राउच एंड रन के लिए वैसे ही सेम आप लोगों को मैक्रो इसके लिए लगा लेना है AWM के लिए। बहुत ईजी है, बस आप लोगों को फर्स्ट वाले को रख देना है वेपन 1 पे एंड सेकेंड वाले को रख देना है यहाँ पे स्कोप पे। ओके जैसे मैंने यहाँ पे क्राउच रन के लिए यहाँ पे 1 को रखा था मैंने क्राउच पे एंड सेकंड को रन पे रखा था, सेम वैसे ही आप लोगों को वेपन 1 एंड स्कोप पे रख देना है। एंड उसके बाद आप लोग फायर करो, फिर से वही एक की प्रेस करो तो वो स्विच कर देगा, स्कोप ऑन कर देगा, फिर से फायर करो, फिर से वो बटन क्लिक करो, ऐसा करके आप लोग स्नाइपर के लिए भी मैक्रो लगा सकते हो। और अभी आप लोगों को ऑडियो में थोड़ा बहुत तो चेंजेस दिख रहा होगा, लाइक अभी जो मैं पहले जितना भी रिकॉर्डिंग था वो सब मैंने लाइव रिकॉर्ड किया था अपने
स्मार्टफोन से, लाइक आईफोन से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मैं उसी से पूरा फुल्ली रिकॉर्ड किया था। बट अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे गेम प्ले आप लोगों को अगर मैं पूरा दिखाऊँ तो भाई बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पे गेम प्ले का एकदम हाईलाइट ही निकाला एंड उसके बाद यहाँ पे मैं वॉइस ओवर आउट्रो में कर रहा हूँ। ओके एंड आप लोगों का भाई ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था तो आप लोगों ने भाई मुझे जीजी माउस प्रो ही सजेस्ट किया और मैंने उसमें दिया था कि भाई न्यू कन्वर्टर पे भी अगर चाहिए ट्यूटोरियल तो बताओ, तो भाई आप लोगों ने न्यू कन्वर्टर को एकदम इग्नोर मार दिया। ये बेस्ट है ब्रो, अगर आप लोग गेम प्ले कर रहे हो तो आप पैसे वेस्ट करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ओके आप लोग फ्री में ही जीजी माउस प्रो का यूज़ करके इजिली गेम प्ले आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड उसके बाद भी आप लोग मेरे लेवल का गेम प्ले, मेरे से अच्छे भी आप लोग गेम प्ले कर सकते हो, बस आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जीजी माउस प्रो का भी मैंने जितना भी बताया ट्यूटोरियल वो सब अभी बेसिक है, अभी इसका एडवांस लेवल पे आप लोग कुछ नहीं समझ पाओगे इसके सेटिंग्स को। लाइक यहाँ पे आप लोगों को माउस का पुलिंग रेट भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है और इसके रिलेटेड मैं एक माउस को रिव्यू करूँगा जिसमें आप लोगों को प्रॉपर पता चलेगा 500 हर्ट्ज़ पे कितना ज़्यादा स्मूदनेस रहता है। उस पे मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं। और ऐसे में आप लोग अगर टिप्स दूँ तो यहाँ पे अगर आपका इसमें कोई भी की मैप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है, लाइक यहाँ पे जॉयस्टिक प्रॉब्लम आता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग मेरा कस्टम एचयूडी ये करो, चूज़ करो। ओके सेम यही कस्टम एचयूडी रखो एंड उसके बाद जैसे जैसे मैंने की मैप किया, व्यू बटन जहाँ पे रखा जिस एंगल पे रखा आप लोग उसी एंगल पे व्यू बटन को रखना। की मैपिंग वाला पार्ट आप फिर से देख सकते हो, वहाँ पे मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। वो सब रखते हुए आप लोग जब गेम प्ले करोगे तो भाई जॉयस्टिक इशू बहुत कम होने के चांसेस है। ओके आप लोगों का जॉयस्टिक इशू होगा ही नहीं, और अब फिर भी अगर जॉयस्टिक इशू होता है तो माउस कर्सर हाइड एंड शो कर लो। ओके यहाँ पर अभी आप लोग गेम प्ले देख रहे हो तो मैं गेम प्ले के बीच बीच में कभी कभी माउस का कर्सर हाइड एंड शो करता रहता हूँ बिकॉज इससे हमारा जो सेंसिटिविटी है वो एकदम प्रॉपर स्टेबल रहता है जिसके कारण हमारा गेम प्ले एकदम स्मूथ होता है। तो आप लोग ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर से यूज़ करना अपने गेम प्ले में। तो बस यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो का एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बस यार मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।